गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं तेजस, स्वागत आपका हमारे चैनल टॉप के आइडियाज पे, जहां आज हम करने वाले एक अल्टीमेट मसालेदार रिव्यू ऑफ सिंघम अगेन, यानी रोहित शेट्टी जी का ग्रेविटी डिफाइंग यूनिवर्स का नेक्स्ट लेवल एडिशन। यहाँ पे स्टोरी तो है नहीं, मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको एक डीप प्लॉट मिलेगा तो पहले ही कह देता हूँ आप गलत गली में आ गए हैं। ये मूवी तो एक ही चीज़ का महासभा है, SUVs जो फिजिक्स के सब रूल तोड़ के उड़ती है, और विलेंस जो इतने स्किल्ड है कि फ्री फॉल और जिमनास्टिक में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। मतलब अगर आप समझ रहे हो कि यहाँ कोई खास कहानी है तो भूल जाओ। सिंघम अगेन का पूरा फॉर्मेट है SUVs हवा में, विलेंस सर्कस में, और ऑडियंस पॉपकॉर्न के साथ खुशी से सॉग्ड। सिंघम सर यानी अजय देवगन अपने सिग्नेचर मूड में है, जिसमें उनका बस एक ही मिशन है, दुनिया से क्राइम का फुल स्टॉप लगाना, बस बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। मतलब स्टोरी लिखने वाले भी सोच रहे होंगे क्या लिखे भाई, क्योंकि सिंघम सर तो बस आ रहे हैं सीधा विलेंस को हवा में उड़ाने के लिए। वाह, मतलब ये कहानी नहीं, ये तो लगता है एक्शन सिक्वेंसेस के बीच में थोड़ा सा डायलॉग ब्रेक है, वो भी सिर्फ ऑडियंस के दम लेने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ सिंघम सर ही नहीं है, रोहित शेट्टी जी ने अपने पूरे जिम गोइंग गैंग को बुला लिया है, सिम्भा और सूर्यवंशी। उत्तर से लटक के आते ऐसे मैं बोलता है टिकट काटो, बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं, लटक के ही आने का है। मतलब ये है उनका एवेंजर्स की एक ऐसी वर्जन जिसमें बस सबको यही करना है, पहले मार लो, बाद में लॉजिक पे चर्चा होगी। मतलब अगर मार्वल के सुपर हीरोज ने लॉजिक को थोड़ा स्ट्रेच किया तो यहाँ लॉजिक को सीधा जिम की डंबल से बांध कर उड़ा दिया जाएगा। हर सीन में वही गाड़ी उड़ाना, विलेंस को हवा में उछालना और डायलॉग्स चिल्लाना जैसे एक्टिंग क्लास का एक ही कोर्स था सबके लिए। ओवर एक्ट 101। तो ग्रेविटी काम है इसमें, ग्रेविटी गई मार। अब आते हैं एक्शन पे। मतलब एक्शन क्या है, ये है बस विजुअल्स और एडिटिंग का महाधमाका। सीन में गाड़ियां ऐसे उड़ती है जैसे रोहित शेट्टी सर ने सोचा हो फिजिक्स बाकी सबको संभालने दो, हमारे यहाँ बस SUVs उड़ेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब आप बैठ के सोच रहे हो कि ये गाड़ी, ये विलेन, ये सब चल कैसे रहा है, फिजिक्स का ब्रेक भी इनके एक्शन के सामने डेयर नहीं कर सकता। और डायलॉग सुनो, ये तो फुल रिपब्लिक डे परेड है, बस आता माजी सटकली सुन के लगता है कि ऑडियंस भी अब चिल्लाएगी, भाई हम भी फुल्ली सटक गए। मतलब इतनी ड्रामेटिक्स और एटीट्यूड भरी देशभक्ति की लगता है सिंघम सर का ब्लड ग्रुप भी पेट्रियोटिज्म पॉजिटिव है। डायलॉग्स का ही डोज इतना स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि हर लाइन में इंडियन फ्लैग के कलर्स डाले गए हैं। हर बार लगता है जैसे स्पीच कॉन्टेस्ट चल रहा हो और अवार्ड का अनाउंसमेंट अभी जस्ट होने वाला है। और यार बैकग्राउंड स्कोर, मतलब कुछ सीन में इतना ज़्यादा धूम धड़ाका है कि लगता है म्यूजिक टीम भी बोर हो गई थी और बोला चलो बस अर्थक्वेक ला दो। ऐसे बीट्स हैं कि आप स्क्रीन देखते वक्त हेडफोन ना पहनो वरना सब वूफर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। गाड़ी हो या विलेन, सब हवा में ही घूम रहे हैं और म्यूजिक उसका और भी गो फुल बॉलीवुड टाइप फील दे रहा है। दोस्तों अगर आपको कोई डीप स्टोरी लाइन चाहिए तो आपने गलती से मूवी का टिकट ले लिया, पर अगर लॉजिक फ्री धमाकेदार एंटरटेनमेंट में मसाला चाहिए तो सिंघम अगेन आपके लिए ही बनी है। पर वार्निंग के साथ, इसके बाद साइंस के नोट्स जरूर पलट लेना, क्योंकि ये मूवी तो पूरा आता माजी सटकली वाला रोलर कोस्टर है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो ने आपको हंसाया या रुला दिया तो लाइक मारो, कमेंट में अपना फेवरेट फ्लाइंग विलेन मोमेंट जरूर लिखो, और याद रहे कीप इट फिल्मी, कीप इट फन।